हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्ड में माना। तो देखो, जब मैंने गेमिंग वगैरह शुरू की थी, जब से कंप्यूटर वगैरह यूज़ करना शुरू किया, तो मैंने मेनली वायर्ड माउस ही यूज़ किया। जब XPG ने हमें कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास एक नया वायरलेस माउस है जिसका नाम है XPG Alpha Wireless, तो क्या आप उसको चेक करना पसंद करेंगे? तो मैंने बोला वाई नॉट, श्योर हम लोग करते चेक। तब मैंने सोचा कि थोड़ा आपको एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें कि बिकॉज एक वायर्ड माउस से वायरलेस पे स्विच करना, उसके साथ क्या डिसएडवांटेज आते हैं, क्या एडवांटेज आते हैं, उनके बारे में एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बताता हूँ। तो सबके बारे में बात करेंगे, तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वायरलेस माउस किस टाइप में अवेलेबल है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वायरलेस माउस। पहला है ब्लूटूथ वाले वायरलेस माउस एंड सेकंड इज रेडियो फ्रीक्वेंसी 2.4 GHz वाले वायरलेस माउस, जिनको लोग ना कभी कभार वाईफाई वाले माउस भी कह देते हैं। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ 2.4 GHz वायरलेस माउस की। मैं ब्लूटूथ वाले माउस की बात नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट फॉर फीचर एडिशन ये मैं बता दूं कि जो XPG वायरलेस अल्फा माउस है दोनों सपोर्ट करता है। लाइक इस पर आप ना नॉर्मल ब्लूटूथ मोड भी यूज़ कर सकते हैं और वायरलेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ब्लूटूथ मोड का ये बेनिफिट है कि आप लोग अगर आप ना टैबलेट वगैरह यूज़ करें या फिर फोन के साथ माउस यूज़ करना चाहते बाय चांस, तो आप ये कर सकते हैं आसानी से। अब वायरलेस माउस बहुत ही वेरिएड बजट्स में आते हैं। जब से गेमिंग माउस वगैरह आ गए हैं तो गेमिंग माउस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, तो कंपैरेटिवली जो प्रोडक्टिविटी ऑफिस माउस है वायरलेस माउस वो काफ़ी सस्ते से शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट आजकल गेमिंग वाले वायरलेस माउस भी आपको मिल जाते हैं फॉर समथिंग लाइक ₹700। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा ही ऑफ बीट का रिपजॉस वायरलेस माउस है फॉर ₹700, और ये ब्लूटूथ वगैरह सपोर्ट नहीं करता। दिस इज नॉट ऑफ द चीपर वैरायटी, ये 2.4 GHz वायरलेस सपोर्ट करता है। एक्सपीरियंस बताओ तो बहुत ज़्यादा लैगी माउस है, पोलिंग रेट वगैरह बहुत ही कम है, लाइक इट्स ओनली 250 Hz वगैरह। तो इसकी वजह से जब आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही लैगी सा फील होता है, मतलब अच्छा नहीं फील होता है। दूसरी तरफ जो इसके ऑपोजिट में मैंने सबसे अभी महंगा माउस यूज़ किया वो है एक्चुअली Logitech का G Pro वायरलेस सुपर लाइट। इसके बारे में आप में से कई लोग जानते होंगे, दिस इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट माउस, अल्टीमेट गेमिंग माउस जो आप कंसिडर कर सकते हैं। मतलब इससे भी महंगे माउस अवेलेबल है, लेकिन फॉर मोस्ट पीपल दिस इज द एंड गेम टाइप ऑफ माउस। अगर इसकी बात करिए अप्रॉक्सीमेटली ₹12,000 का है। इसके फीट वगैरह अच्छे हैं, बटन्स वगैरह अच्छे हैं, शेप इज वन ऑफ द बेस्ट। अब ये तो देखो दो एक्सट्रीम्स की बात होगी कि एक ₹700 का, एक ₹12,000 का, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स है, लेकिन इसके बीच में बहुत ऑप्शन है आजकल। मतलब पहले नहीं होता था इतने ऑप्शन, लेकिन अब काफ़ी है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको किलोनोवा वायरलेस मिल जाता है कुछ ₹2,500 से, और उसके बाद Logitech G305 इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वायरलेस माउस, कुछ ₹2,500 तक खरीद सकते हैं, कभी कभी सेल्स में ₹2,000 तक भी आ जाता है। XPG का ये वायरलेस माउस जो अप्रॉक्सीमेटली ₹4,000 के आसपास आता है। फिर एंड उसके बाद थोड़े और ज़्यादा गेमिंग फोकस ऑप्शन आ जाते हैं लाइक दिस HyperX Haste वायरलेस। देखो एक टाइम था जब वायरलेस और वायर्ड माउस में डिफरेंस इसलिए था बिकॉज वायरलेस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और लैग वगैरह होता था वायरलेस गेमिंग वगैरह में। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी इस पॉइंट पे है कि वायर्ड और वायरलेस में एक्चुअली कोई डिफरेंस है। इनफैक्ट कुछ कुछ वायरलेस माउस एक्चुअली वायर्ड माउस से बेटर इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी, आपका जनरली एक्सपीरियंस अच्छा ही होने वाला है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि वायरलेस माउस के साथ ना ये जो परफॉर्मेंस है, जो अच्छी परफॉर्मेंस है, वो आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जाके लेट के आराम से पीछे जाके अपना माउस यूज़ करते हैं। मैं इनफैक्ट कई सिचुएशन में अपने कुर्सी के, लाइक अपने चेयर के जो है ना आर्मरेस्ट है उनके ऊपर माउस रख के यूज़ करा, तो वायर्ड के साथ भी टेक्निकली कर सकते हो, लेकिन उतनी लंबी वायर खींचना और बड़े डेस्क में वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आप लाइक ऐसा PC यूज़ करते हो जो हाइब्रिड यूज़ होता है कि आप उसमें मूवीज़ वगैरह भी देखते हो थोड़ा लाइक आपके बेड के आसपास है, तो वो वायरलेस माउस उठा के अपने लाइक बेड पे रख के उसको यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट होता है कंफर्ट वाइज। अब देखो एक्सपीरियंस जरूरी से अच्छा ही होता है, बैटरी लाइफ भी एक चीज़ है जो जिसका ध्यान रखना पड़ता है। एंड मुझे ना वायरलेस चीज़ इसीलिए नहीं पसंद है जस्ट बिकॉज दोज नीड बैटरी। लेकिन एक चीज़ है कि वायरलेस माउस अभी आजकल बैटरी लाइफ उनकी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, 6-7 दिन बिना आना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकते हैं माउस, और आपको चार्ज करने की चिंता बहुत ही कम करनी पड़ती है। एंड स्पेशली अगर आप जैसे G304 के जैसे माउस की बात करें, तो वहाँ पे एक बार एक अच्छी क्वालिटी की बैटरी डालो, सेल डाल दो AA वाली, और वो कम से कम 2-3 महीने 6-6 महीने चल जाते हैं कुछ कुछ लोगों की। लेकिन अगर आप सस्ता कुछ खरीद लो लाइक दिस ना ऑफ बीट वगैरह, इसकी जैसे बैटरी लाइफ मुश्किल से 2 दिन है, और वो भी RGB वगैरह ऑफ करने के बाद, लाइट्स वगैरह ऑन कर दो तो सिर्फ 1 दिन में खत्म हो जाती बैटरी। बाकी अगर मैं XPG की बैटरी लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे बैटरी लाइफ ठीक थी, मतलब इट वॉज अराउंड लाइक ना मुझे आराम से 4-5 दिन का ना बैटरी बैकअप मिल रहा था, वो भी RGB ऑन करने के बाद। तो RGB ऑफ करने के बाद भी ज़्यादा भी मिल जाए, तो मैंने RGB ऑफ करके ट्राई नहीं किया, मतलब RGB के पैसे तो दिए ही हैं तो यूज़ करना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। भाई वायरलेस गेमिंग माउस का डिसएडवांटेज क्या मिलने वाला है आपको? जैसे मैंने पहले चीज़ बताई कि वो है चार्जिंग, आपको चार्जिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है तो आपका वायरलेस माउस उस टाइम पर जाकर वायर्ड बन जाएगा जस्ट बिकॉज आपको वायर लगा के गेमिंग करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगली चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो है डोंगल, USB डोंगल, यानी जहाँ पे एक्चुअली रिसीवर होता है या ट्रांसमीटर, मुझे नहीं पता एक्चुअल टर्म क्या है, ट्रांसीवर आई गेस। एक तो क्या कि वो है ना छोटा सा होता है, गुम होने के चांसेस होते हैं, कुछ माउस में वो डोंगल रखने की ही जगह नहीं होती, उनको आपको अलग से ही स्टोर करना पड़ता है। तो अगर बाय चांस आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो छोटा सा डिसएडवांटेज आता है कि आपको डोंगल का भी हल्का सा ख्याल रखना पड़ेगा।
अगली चीज है वेट। आपको 1500-1600 रुपए में वायर्ड है ना कॉस्टिंग वाइट वगैरह का माउस मिल जाएगा, जो है ना बहुत ही हल्का होगा, लाइक इट्स अंडर 70 ग्राम्स के आसपास। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखना पड़ता है वायरलेस के साथ वेट का, बिकॉज वहाँ पे इनबिल्ट बैटरी होती है या फिर जो सर्किट वगैरह वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है कंपेयर टू अ वायर्ड माउस। हमारा एक्सपीजी का ये जो माउस है, लाइक इसका मैं एग्जांपल दूं, 4000 रुपए का, लेकिन इसका वेट 100 ग्राम के ऊपर है। ऑब्वियसली माउस भी बड़ा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा और हल्का होना चाहिए एज अ गेमिंग माउस। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको वेट सेविंग चाहिए ना, तो आपको पैसा भी थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। और लास्ट डिसएडवांटेज की बात करते हैं, वो है इंटरफेरेंस। एंड ये मेरा सबसे बड़ा कंप्लेन पॉइंट है आफ्टर यूजिंग दिस XPG वायरलेस माउस, XPG अल्फा। सीन क्या है कि देखो, बिकॉज ये 2.4 GHz वायरलेस रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे काम करते हैं, तो ये कई बार आपके होम वाईफाई से लाइक इंटरफेयर हो सकते हैं। दोनों 2.4 GHz पे वायरलेस पे काम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या आपका पीसी में जो कर्सर वगैरह जो माउस है वो लैग करना शुरू कर सकते हैं। एंड इसमें ये इशू आ रहा था, कई बार क्या हो रहा था कि जब मैं इसको यूज़ करता बीच में अचानक से स्टटर करना शुरू कर देता था, जस्ट बिकॉज मेरा लाइक वाईफाई रूटर बहुत ही पास है मेरे पीसी के, एंड वायर्ड मोड पे ये नहीं था इशू, तो ऑब्वियसली वायरलेस का ही कुछ चक्कर था। एंड लैपटॉप पे भी नहीं दिखता, लैपटॉप मेरे दूसरे कमरे में रखा था, तो थोड़ा वाईफाई वहाँ पे सिग्नल कम था। एंड ये इशू से मेरे साथ ही नहीं, मतलब हमारे लाइक बहुत ही खास मिस्टर म्यूबॉट मुकुल भाई के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई, उनके लाइक G304 में भी ये प्रॉब्लम होती है उनके पीसी में। दिस इज एन इशू, और आपको लाइक हर माउस में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ माउस में ये इशू हो जाता है, एंड आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आप ना 5 GHz वायरलेस यूज़ करो, वाईफाई यूज़ करो अपने घर पे, उससे थोड़ी सी इशू कम हो सकती है इसका, या फिर आपको मतलब कुछ ना कुछ दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फाइनली बात करते हैं XPG के अल्फा वायरलेस के बारे में। तो देखो, ये माउस 4000 रुपए का, जैसे मैंने बताया था, इट्स एन एर्गोनॉमिक माउस, ये पाम ग्रिप वगैरह के लिए अच्छा है, ऑफिस यूज के लिए अच्छा है। मैं कहूंगा कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड गेमिंग माउस, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो बजट है उसमें आपको MSI का GM41 वायरलेस मिल जाता है सेम प्राइस रेंज में। अगर आपको थोड़ा छोटा माउस चाहिए, अगर आप छोटा वायरलेस माउस देख रहे हैं, तो आपको कोर्सर का कटार XT भी मिल जाता है, रेजर का रोची मिल जाता है, जो और भी ज्यादा छोटा और भी ज्यादा लाइट वेट है, फिंगर टिप ग्रिप के लिए बहुत अच्छा है। सेकंडली, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे लगता है कि थोड़ी सी और बेटर हो सकती है। जो फीट है वो लाइक प्योर टेफ्लॉन फीट नहीं है, PTFE फीट है, लेकिन प्योर नहीं है कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो हमारा फीट है वो निकलना शुरू हो रहा है, एंड मुश्किल से इसको ना 3-4 हफ्ते ही हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अदरवाइज इसके जो क्लिक्स वगैरह है या फिर जो बटन्स वगैरह की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। तो गाइस, ये था मेरा एक्सपीरियंस विद वायरलेस गेमिंग माउस। तो अब बात आती क्या आपको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं वायरलेस गेमिंग माउस। मैं सच कहूँ, अगर इफ़ यू हैव द बजट, प्लीज़ डू ट्राई इट, इट्स वेरी कहते ना कि आपको फ्रीडम मिल गई, आप खुलेगा ना खुले खुले आसमान के तले जा सकते हो आप, जो भी है कि मतलब आपको कोई वायर की चिंता करने की जरूरत नहीं, टैंगलिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप रेजर वाइपर खरीद सकते हो, लॉजिटेक का सुपर लाइट खरीद सकते हो, या फिर लाइक इवन HyperX का हेस्ट वायरलेस भी खरीद सकते हो। ये थोड़े लाइक एक्सपेंसिव साइड पे, लेकिन ये वर्थ इट है अपने परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से। सेकेंडली, अगर आपको है ना आपका बजट कम है, तो G305 लॉजिटेक का बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ज्यादा प्योर ऑप्शन है। अगर और भी आपको बजट कम करना है, तो कॉस्मिक बाइट वगैरह का भी ऑप्शन है, वो भी कंसिडर कर सकते हैं। और मैं भी फिलहाल तो है ना अपना MM720 यूज करो, लेकिन सोच रहा हूँ मैं भी वायरलेस में मैं भी जाके स्विच कर लूँ। तो एनी रिकमेंडेशन प्लीज सजेस्ट मी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।